हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त। स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में डिलाइटफुल डिशेस विद डिप्स। आशा करती हूँ इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप सब लोग सेफ होंगे, घर पे होंगे, मेरे रेसिपीज ट्राई कर रहे होंगे। एक और न्यू रेसिपी लेके मैं हाजिर हो चुकी हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, आज हम बनाएंगे मैगी की एक रेसिपी। इवनिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है ये। मैंने आटा नूडल से बनाया है, बहुत ही हेल्दी है, बच्चों के लिए भी बहुत परफेक्ट, पेशेंट और एजेंट लोगों को भी बहुत अच्छा लगने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके प्लीज प्लीज मेरे वीडियोस को देख लीजिएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैगी की इस दमदार रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा कैबेज। मैंने एक कटोरी कैबेज ले लिया है बारीक कटे हुए। चाहिए बीटरूट, हमने यहाँ पे ले लिया है। थोड़ा गार्लिक पेस्ट, थोड़ा ऑनियन पेस्ट और ये है जिंजर पेस्ट। और ले लेंगे थोड़ा सा चिकन, मैंने इसे बारीक लंबे लंबे चॉप कर लिए हैं। चाहिए एक अंडा, चाहिए ग्रीन चिली, गार्लिक बारीक कटे हुए, टमाटर, धनिया, ये ऑनियन बारीक कटे हुए। जो है मेन इंग्रेडिएंट वो है मैगी। हमने यहाँ पे एक पैकेट मैगी ले लिया है। एक कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल। मैंने इसे गर्म करने के लिए रख दिया है। जो मैगी हमने लिया है उसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो चुका है, अब उसे हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें फ्राई कर लेंगे चिकन। चिकन में दे देंगे थोड़ा सा नमक सौते करने के लिए। अच्छे से फ्राई करना है, नहीं तो चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा। चिकन सौते हो चुका है, हम इसे तेल से निकाल लेंगे। फ्राई कर लेंगे अंडे, छिड़क देंगे थोड़ा सा नमक, इसका जो है हमें भुजिया बनाना है। अंडा जो है वो हो गया है, इसे हम तेल से निकाल लेंगे। कढ़ाई में हम फिर से तेल डाल देंगे और सारे वेजीज को हम फ्राई कर लेंगे। डाल देंगे हम ऑनियन सबसे पहले। अभी हम डाल देंगे बीटरूट। अभी इसमें हम डाल देंगे बाकी सारे वेजीज, जैसे कि कैबेज, टमाटर, गार्लिक, धनिया और ग्रीन चिली। हम इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इसमें दे देंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार आपको जितना ठीक लगता है आप उतना ही दीजिएगा। ऐड कर देंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, दे देंगे थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून ऑनियन पेस्ट। ऐड कर देंगे एक पैकेट मैगी मसाला। ये आटा नूडल्स है, आप आटा नूडल्स लेने से ये हेल्दी होगा तो आप यही लीजिएगा। मिक्स कर देंगे इसे भी। ऐड कर देंगे जरा सा सॉस, पकड़ लीजिए 2 टेबल स्पून। ऐड कर देंगे पानी। ऐड कर देंगे चिकन और अंडा जो हमने सौते करके रखे थे, सारे ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है।
इसमें एक उबाल आना है। मैंने यहाँ पे 3 कटोरी पानी दिया है, आप चाहे तो और पतला कर सकते हैं या फिर और थोड़ा आप गाढ़ा भी कर सकते हैं। वैसे इसमें हम लास्ट में कॉर्नस्टार्च और कॉर्नफ्लावर कुछ भी मिला सकते हैं, मिलाएंगे तो वो मिलाने पर पानी ऑटोमेटिकली और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तब उसी हिसाब से मिलाइएगा। एक कटोरी में मैंने पानी ले लिया है तो इसमें हम थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च दे देंगे। डायरेक्टली हम कॉर्नस्टार्च को या फिर जो भी हो कॉर्नफ्लावर डायरेक्टली हम मिक्स नहीं करेंगे, चम्मच से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। देखिए ऐसा ही होगा, आपको पानी जितना काढ़ा चाहिए आपको कॉर्नस्टार्च उतना ही ज्यादा मिक्स करना है। पानी में उबाल आ चुका है तो अब हम जो कॉर्नस्टार्च लिया है वो ऐड कर देंगे। आप देख पाएंगे पानी में एक सूप जैसा थिकनेस आ जाएगा, देखिए कितना सुंदर कलर आया है, खाने में भी उतना ही लजीज है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है एंड ऑफ कोर्स हेल्दी भी है। अब बच्चों को और एजेड लोगों को ये सर्व कर सकते हैं, देखिए कितना लाजवाब बना है। तो अगर आपको मेरा ये ब्रांड न्यू रेसिपी अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक माई वीडियो, शेयर दिस रेसिपी विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट, स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल एंड थैंक यू सो वेरी मच।